हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, ध्यान देना। डिजिटल मतलब जो इंटरनेट पे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर कोई डिवाइस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होगा। प्रॉपर्टी मतलब कोई वो चीज जो आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट्स, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसका एक नया नाम और दिया गया है, इसको एक और नाम दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इसको कहा जाता है डिजिटल एसेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर आपने उसको बना रखा है और एग्जिस्ट कर रही है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब हो गया या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। दोबारा ध्यान से समझना, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर डिजिटल एसेट्स का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर वो इंफॉर्मेशन जो आपने बना रखी है और अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट बना रखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी साइट पे आपने बना रखा है, तो वो आपका एसेट है, डिजिटल एसेट हुआ, ठीक है। या फिर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, या फिर फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस ले लो, मैंने वीडियोस बना रखे हैं तो ये मेरा एसेट है। अब जरूरी नहीं कि मेरी वीडियोस जो है सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको कोई कोर्स चाहिए और मैं कहूंगा ठीक है मैं पेनड्राइव में दूंगा आपको या फिर हार्ड डिस्क में दूंगा, तो वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है, तो वो क्या है, वो मेरा एसेट है, ठीक है, राइट। सिंपल सी चीज है। तो अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। इट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में, और created by you या फिर आपने बनाया हुआ है, that exists, जो exist कर रही है किसमें, in digital form, digital form में। digital form का मतलब either online, या तो online होगी और electronic storage device। electronic storage device का मतलब hard disk हो गया, pen drive हो गया, ठीक है, right। अब इसका example समझते हैं। examples क्या है digital assets के या digital property rights के। examples of digital property rights और digital assets are email account हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, शॉपिंग अकाउंट्स, आपने शॉपिंग करनी है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आपने अकाउंट्स बना रखे हैं तो वो आपका एसेट्स है। डोमेन नेम का मतलब हुआ जैसे वेबसाइट का नाम हुआ, जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है facebook.com, तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता, जो ऑनर है वही यूज कर सकता है। और उसके बाद एनी सॉफ्टवेयर और ऐप क्रिएटेड बाय यू, कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप जो आपने बना रखी है, That comes under digital property rights या फिर digital assets कहा जाएगा उसको। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहां पे सब चीज मेंशन है कैसे आप नोट्स ले सकते हो। प्लस साथ के साथ अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फोन नंबर्स वगैरह तो वैसे बीच में फ्लैश होते रहते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस फोन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर। जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होगा उसकी सारी जो राइट्स होंगे ऑनर के पास होंगे। अब वो कैसे ले सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सपोज करो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, अब उसके राइट्स मेरे पास कैसे आएंगे, उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा लीगली पे करके। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक बुक है जो मैंने बना रखी है, ठीक है, पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल पीडीएफ है मैंने बना रखी है। अब वो पीडीएफ के राइट्स मेरे को कैसे मिलेंगे, उसके लिए मेरे को लीगली पे करना पड़ेगा और लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो समझते हैं इसके बारे में, पर्सन हु हैज क्रिएटेड द इंफॉर्मेशन, जिसने बंदे ने इंफॉर्मेशन बनाई, कैन बिकम द लीगल ऑनर ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। वो लीगल ऑनर बन सकता है, कैसे बनेगा, बाय पेइंग लीगली और बाय ऑब्टेनिंग लाइसेंस। या तो वो लीगली पे करेगा या फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब साथ साथ ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि जो ऑनर है उसके पास सारे राइट्स हैं, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन यूज कर सकता है उस सारी इंफॉर्मेशन को। ओनली द ऑनर कैन यूज एंड डिसाइड हु ऑल कैन यूज डिजिटल प्रॉपर्टी।
कहता है डिजिटल प्रॉपर्टी को कौन यूज करेगा, ये सिर्फ ओनर डिसाइड करेगा इन व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रेड्स के ऊपर, जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उस पर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। डिजिटल की बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरेज की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना क्या क्या उसके अंदर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। अब जैसे काफी आप लोगों ने सुना होगा कि हैकिंग होती है, हैकिंग में क्या होता है आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैक हो जाएंगे, तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल। सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से सारे अकाउंट्स वगैरह हैक हो सकते हैं। सेकेंड इज स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोर्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी ने चोरी करा और उसको यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वीडियोस है, मैं अभी तो चलो ठीक है आप ऑनलाइन देख रहे हो, अब कोई बंदे ने क्या करा उसको डाउनलोड करा और उसके बाद अब पेन ड्राइव में डाल के किसी और को बेच दी कि हाँ भाई ये हमारी ही है, गैप्स क्लासेस हमारा है, इसको हम आपको बेच रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर, वो किसके अंडर का पार्ट है, दैट इज थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल एसेट्स से रिलेटेड है। आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, हेडिंग पेपर में आएगा, राइट एनी टू थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल प्रॉपर्टी एसेट्स, तो ये दो पॉइंट्स लिख देना आप। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है इसको भी प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज लीगल क्लॉजेस, उसके अंदर क्या करो, जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया तो उसमें लीगल क्लॉज ऐड कर दो कि ये मेरा कंटेंट है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमेशा लिखा आता है आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपको उस पर टिक करना होता है, जब तक आप टिक नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो मतलब लीगल क्लॉज उसके अंदर ऐड कर दिया। सेकेंड इज लिमिटिंग द शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर या ऐप बना रखी है तो आप कम से कम लोगों के साथ उसको शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 10 बंदे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 बंदों के साथ शेयर करोगे, कुछ ऐसे कुछ ही लोगों के साथ शेयर करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। एंड थर्ड इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस, एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, जैसे एंटीवायरस लगा लिया कि जिससे कि आपका हैक वायरस नहीं आ सके, हैकिंग नहीं हो सके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं उनका यूज करो जिससे कि हैकिंग वगैरह नहीं हो सके, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कोर्स लिया वो मैंने आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में दिया, तो उसमें मैंने पासवर्ड लगा दिया और कॉपी और साथ साथ में लगा दिया कि वो कॉपी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने अपने सिस्टम पे कॉपी कर लिया फिर आपने किसी और को दे दिया, तो मतलब उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा, दैट इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस, मतलब कि मैंने वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिससे कि वो कंटेंट कॉपी नहीं हो सके, ठीक है। ये हो गया किसके अंदर आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। और दोस्तों आगे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बड़ी ही जल्दी हमारी गैप्स क्लासेस की बुक पब्लिश होने वाली है, जिस बुक के अंदर बहुत सब चीजों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा हुआ है एग्जांपल्स के साथ, और साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है उसके अंदर। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि बुक पब्लिश नहीं हुई हो तब तक, तो जैसी बुक पब्लिश होगी तो हम डिस्क्रिप्शन में वो भी मेंशन कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारी बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स की सीरीज को अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या होता है, ध्यान देना आप लोगों ने काम कर रखा होगा लैपटॉप के ऊपर, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, किस पे काम करते हो, लैपटॉप पे, तो वहां पर यूज करते हो विंडोज। विंडोज क्या होता है हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है विंडोज क्या, तो आप क्या कहोगे, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली अगर हम मैक की बात करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। इससे जो विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी जो बैकग्राउंड की कोडिंग है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप विंडोज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जो लिनक्स है दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज लिनक्स, इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल है। और अगर सोर्स कोड अवेलेबल तो उसका मतलब आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, और उसके बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम आगे कैसे लिखेंगे, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल एंड एनीवन कैन फ्रीली यूज इट, कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, ठीक है राइट, ये लिख लो।
अब ध्यान देना, जो ये लिनक्स है एक कंपोनेंट होता है, ये उसका पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं लैंप, LAMP। तो लिनक्स एक कंपोनेंट है, किसका, लैंप का कंपोनेंट है। तो ये क्या है, ये पार्ट है, एक वेब सर्वर होता है उसका एक कंपोनेंट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट, और उसका नाम क्या है, लैंप, LAMP। ध्यान देना इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हम फुल फॉर्म समझते हैं, लैंप की फुल फॉर्म क्या है। एल का मतलब होता है लिनक्स, ए इज अपाचे, एम इज माई एसक्यूएल एंड पी इज PHP। तो अभी हमने इसके अंदर पढ़ा सिर्फ लिनक्स का, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, हम अपाचे पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे और PHP पढ़ेंगे, लिख लो उसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अपाचे। अपाचे क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था लिनक्स, लिनक्स था हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारा, दैट इज वेब सर्वर। तो व्हाट इज अपाचे, इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वेब सर्वर क्या होता है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लाइन इज, इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब ध्यान देना, जो ये सर्वर है हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब, अगर हम कंप्यूटर की बात करें और प्लेटफॉर्म वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है लैंप का, तो हम इसको वही लाइन लिख देंगे जो हमने लिनक्स के अंदर लिखी थी, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कॉम्पोनेंट लैंप, ठीक है। अब लैंप की फुल फॉर्म दोबारा देख लेते हैं, एक बार पहले बताइए, एक बार दोबारा बताता हूं, L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो हम Linux पढ़ चुके हैं और साथ साथ में Apache पढ़ चुके हैं, ठीक है, लिख लो उसको। अब जैसा मैंने आपको बताया था वेब सर्वर, आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वेब सर्वर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो इंटरनेट पे आप कुछ भी देखते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये सारी क्या है, वेबसाइट्स हैं। ये कहां पर पड़ी हुई है, ये सारी पड़ी होती है वेब सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर एक प्लेस है जहां पे वेबसाइट्स को रखा जाता है। तो अपाचे भी एक उसका ही कंपोनेंट है, किसका, लैंप का कंपोनेंट है, और मतलब इसको हम अपाचे को एज अ वेब सर्वर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो उसको अपाचे को। अब नेक्स्ट लैंप के बाद, लैंप में हमने लिनक्स पढ़ लिया, ए से अपाचे पढ़ लिया, एम से MySQL पर आएंगे। अब आते हैं MySQL के ऊपर, MySQL क्या होता है। इससे पहले हमने लिनक्स पढ़ा था, लिनक्स क्या था, हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अपाचे पढ़ा था, अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स वेब सर्वर था। अब नेक्स्ट है हमारा MySQL, ये भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है, दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज MySQL, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है इट इज एन ओपन सोर्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी करेक्ट है, आप कुछ भी लिख दो गलत नहीं है, मतलब कुछ भी इन द सेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दोगे वो भी ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखोगे वो भी ठीक है। तो ये क्या हमारा, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना MySQL को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान देना MySQL की वीडियोस मैंने बना रखी है, अगर आपको MySQL को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्टली MySQL की वीडियोस पे चले जाओगे, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, MySQL क्या होता है, कुछ कमांड्स होते हैं, सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब जो ये हमारा DBMS है इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं, क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, नहीं, हम कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इट कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, लाइक कौन कौन सा आ गया इसके अंदर, विंडोज आ गया और लिनक्स आ गया। अब ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है लैंप का। लैंप क्या होता है हमारा, लैंप होता है हमारा वेब सर्वर कंपोनेंट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैंप। लैंप की फुल फॉर्म थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, एल इज लिनक्स, ए इज अपाचे, एम इज MySQL एंड पी इज PHP, ठीक है, लिख लो उसको। अब आते हैं लास्ट टर्म के ऊपर, लैंप की लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सी थी, पी इज PHP। पीएचपी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट सोचता है पीएचपी है तो पी से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर,
तो स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब ध्यान देना, इससे पहले जो जितने भी हमने लैम के कंपोनेंट्स पढ़े थे सारे ओपन सोर्स थे, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, हमारा ओपन सोर्स होना चाहिए। तो पीएचपी क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या, हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। दो टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, एक होते हैं क्लाइंट साइड और एक होते हैं सर्वर साइड। तो ये जो यूज किया था दैट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे जब पढ़ेंगे, जब हम क्लाइंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशन देखेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होगा, वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। वेबसाइट जो होती है, दो टाइप की वेबसाइट होती है, स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक वो होती है जो फिक्स होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते, डायनामिक वो होती है जो चेंजेस होते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे आप फेसबुक पे काम करते हो या यूट्यूब पे काम करते हो, तो जब आप उसको आपने अभी ओपन करा, थोड़ी देर बाद ओपन करोगे तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा तो नहीं दिखेगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे न्यूज फीड्स आती है, स्टोरीज आती है, चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो पीएचपी क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक, डायनामिक बनाने के लिए यूज की जाती है। और ये किसका कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है लैम्प का। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कॉम्पोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म एल इज लिनक्स, ए इज अपाचे, एम इज MySQL, पी इज PHP। ध्यान देना, चारों के चारों जो कॉम्पोनेंट्स है ओपन सोर्स है। तो पहले हमने लिनक्स पढ़ा था, लिनक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने अपाचे पढ़ा था, ओपन सोर्स वेब सर्वर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एम से MySQL, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर RDBMS, या फिर RDBMS। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा PHP। ये क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। राइट, लिख लो इसको। लैंप का, लैंप के कंपोनेंट चारों कवर हो चुके हैं, लिख लो इसको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मोजिला। मोजिला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म है हमारी मोजिला। मोजिला क्या होता है, मुझे पक्का पता है कि काफी बच्चों ने मोजिला सुना होगा। जैसे आप इंटरनेट पर देखते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या फिर क्रोम होता है, वैसे आपने मोजिला भी देखा होगा। मोजिला बेसिकली क्या होता है, आपको इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स सोचते हैं इसका वो क्या है, ब्राउजर है, ऐसा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं मोजिला की डेफिनेशन, फिर उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोजिला जो है दैट इज फ्री, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। कॉमा इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट, ये क्या है, हमारा फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट है। फ्री का मतलब समझ में आता है, कोई पैसे नहीं दे रहे, डाउनलोड करो, यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी, कौन सी टर्म है, नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी समझ में आता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट, सूट का मतलब होता है जिसके अंदर और कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो मोजिला सिर्फ ब्राउजर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हम समझेंगे उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स फोर पार्ट्स, चार कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज वेब ब्राउजर, मोजिला का एक वेब ब्राउजर है। सेकंड इज ईमेल क्लाइंट, उसके अंदर आप ईमेल्स वगैरह भी कर सकते हो। थर्ड इज एचटीएमएल एडिटर, एचटीएमएल एडिटर भी उसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कोई भी चेंजेस करने हैं एचटीएमएल से तो आप कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज आईआरसी क्लाइंट। आईआरसी इज इंटरनेट रिले चैट, मतलब चैटिंग करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पढ़ना है मोजिला क्या है और ये चारों कंपोनेंट्स लिखने हैं, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है। यूनिकोड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एस्काई कोड क्या होता है। ध्यान देना, सबसे पहले तो कंप्यूटर किसने बनाया, अमेरिकन ने बनाया। अमेरिकन ने जो कंप्यूटर बनाया तो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स थे और उसके साथ साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो होती है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर, जीरो और वन के फॉर्म समझता है। अगर आप कुछ भी एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा गैप्स क्लासेस, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हो गए या करेक्टर्स हो गए, कुछ भी हो गए, जो भी कीवर्ड पे कुछ भी अवेलेबल है, उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उन न्यूमेरिक वैल्यू को बाद में कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स के अंदर।
अब जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन ने बनाया, उनको तो सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर मैथमेटिकल चीजें आती हैं, तो उन लोगों ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग बनाई, कोड्स बनाए, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कंप्यूटर फैलता गया, दूसरी दूसरी कंट्री में गया, जैसे इंडिया में आया और उसके साथ साथ में यूरोपियन कंट्री में चला गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज में चला गया। लेकिन जो फ्रेंच लोग होते हैं, फ्रांस के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहती है भाई हम इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही लैंग्वेज यूज करेंगे, अपने कंप्यूटर से उठा के ले जाओ। तो अमेरिकन को समझ में आया अगर ये कंप्यूटर्स यहाँ पे नहीं चले, यूरोपियंस ने मना कर दिया, तो हर कंट्री यही करेगी। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी नंबर्स बनाए थे, एस्काई कोड्स बनाए थे कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर स्पेशल करेक्टर्स के, तो उनको समझ में आ गया कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी हमें करेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, नंबर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर कंसेप्ट निकल कर आया यूनिकोड का। यूनिकोड कहता है कि आप कुछ भी यूज करो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी टाइप आप करोगे कीबोर्ड पे, उस सबके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो समझते हैं यूनिकोड का क्या मतलब है। यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर देगा फॉर एवरी करेक्टर, कोई भी करेक्टर, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट यूनिक करेक्टर होगा। तो व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी करेक्टर, हर एक करेक्टर के लिए, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म। कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, प्लेटफॉर्म जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो दो नंबर को एड करने का हो, माइनस करने का हो, कुछ भी हो, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक कोड होगा ही होगा। एनालिसिस, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, हर एक करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग से यूनिकोड होगा। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड, क्या होता है, और या फिर एग्जाम्पल आएगा कि यूनिकोड के अंदर कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आप कुछ भी लिख दोगे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं तीन चार एक्सप्लेन कर रहा हूं, तीन चार लिख रहा हूं। इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन यूनिकोड आर देवनागरी, बंगाली, तेलुगु, हिंदी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी, आप मलयालम भी लिख सकते हो, कन्नड़ भी लिख सकते हो, सब करेक्ट है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको यूनिकोड को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यूनिकोड आएगा ही आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, या फिर आएगा नेम एनी टू या फोर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज इंक्लूडेड इन यूनिकोड। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज है वो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, कि डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि आप नोट्स कैसे दे सकते हो, बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट आपको पे करना, बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स जरूर डालना। कमेंट्स इसलिए डालना जरूरी होता है कि ऐसा ना हो कि कोई भी देख रहा है वीडियो पूरी एंड तक देखी फिर उसको उसमें से फायदा नहीं हुआ। तो बेटर है जिसने देख रखी है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखो कि वीडियो सही है, कंटेंट्स सही से एक्सप्लेन करे हुए या नहीं करे हुए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करे। ठीक है, राइट।